शाहरुख खान की फिल्म कभी हाँ कभी ना याद है आपको? नमस्कार, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। शाहरुख खान की करियर की ये शायद सबसे क्यूट फिल्म है। एक ऐसे नौजवान की कहानी थी जिसमें कोई खूबी नहीं है, लेकिन जिसकी ख्वाहिश हर दिल अजीज होने की है। एवरेज स्टूडेंट है, फेल हो गया है, लेकिन बेइज्जती नहीं करवाना चाहता। इस चक्कर में फर्जी मार्कशीट बनवाने एक डॉन की शरण में पहुंच जाता है। डॉन जो कि एक लड़के का फैन है, खुशी खुशी नकली मार्कशीट बनवा देता है। आगे उस मार्कशीट से बहुत कुछ होता है, लेकिन हमारी दिलचस्पी उस किस्से में नहीं है, हमारी दिलचस्पी उस डॉन में है। एंथनी गोम्स नाम के गैंगस्टर का वो कलरफुल किरदार निभाने वाले एक्टर का नाम है गोगा कपूर, जिन्हें बहुत सी छोटी बड़ी फिल्मों में हमने देखा है, ज्यादातर विलन या उसकी साइड किक के रोल में। गोगा कपूर 80 और 90 के दशक में दर्जनों हिंदी फिल्म का हिस्सा रहे हैं। गोगा कपूर का असली नाम रविंदर कपूर था। अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने बहुत से इंग्लिश प्ले किए। थिएटर में उनकी महारत देखकर जल्द ही उन्हें इंडस्ट्री में बुला लिया गया। उन्होंने रीजनल लैंग्वेजेस की फिल्मों में ढेर सारा काम किया। वो डायरेक्टर मनमोहन देसाई की फिल्मों का परमानेंट हिस्सा थे। मनमोहन देसाई ने जितनी भी फिल्में की, लगभग सभी में उनका रोल रहा, चाहे छोटा हो या बड़ा। अमिताभ बच्चन के प्राइम टाइम में उनकी भी कमोबेश हर फिल्म में गोगा कपूर का नाम क्रेडिट्स में दिख जाता था। आज हम गोगा कपूर के तीन खास किरदारों के बारे में आपको बताएंगे, जिन्हें याद करके आप समझ जाएंगे कि कैसे एक्टर थे वो। पहला किरदार कंस, महाभारत सीरियल 1988। बी.आर. चोपड़ा का महान सीरियल महाभारत, जिसने कि एक्टर्स को जीवन भर की पहचान दिलवा दी थी। मल्टी स्टारर वाले डिपार्टमेंट में बरगद के विशाल पेड़ जैसी हैसियत रखने वाली कलाकृति थी ये सीरियल। दर्जनों स्टार्स से भरी हुई स्टार कास्ट में अगर कोई एक किरदार याद रह जाए तो ये उस एक्टर की अचीवमेंट होती है। गोगा कपूर ने कंस के रोल को ऐसे ही निभाया और उनको फेम मिली। अगला किरदार डाकू शैतान सिंह, तूफान फिल्म 1989 में आई। क्रिश से काफी पहले इंडिया की पॉपुलर सुपर हीरो फिल्म का स्टेटस अमिताभ बच्चन की फिल्म तूफान के नाम था। मनमोहन देसाई की ये फिल्म फुल बॉलीवुड मसाला मूवी थी। इसमें गोगा कपूर मेन विलन बने थे डाकू शैतान सिंह नाम के। दो जुड़वा अमिताभ बच्चन के पिता का हत्यारा शैतान सिंह, जिसकी वजह से दोनों भाइयों को बचपन में ही जुदा होना पड़ा। बहुत फैनफेयर के साथ रिलीज हुई इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज्यादा जलवा तो नहीं रहा, लेकिन गोगा कपूर के निभाए खलनायक को बहुत सराहना मिली। तीसरा किरदार गोगा, पत्थर के फूल 1991। सलीम खान की सलमान खान के लिए लिखी हुई फिल्म, अपने नाम राशि विलेन का किरदार निभाया था गोगा कपूर। गैंगस्टर्स की गैंग में अंडरकवर एजेंट बनकर रहे इंस्पेक्टर विजय पर शक करता इकलौता गैंग का सदस्य, जो आखिरकार उसकी जान लेके ही मानता है। पेच ये है कि इंस्पेक्टर विजय अपने हीरो के पिता थे। जाहिर सी बात है कि सल्लू भाई से मुठभेड़ होनी थी, हुई। बाकी इन फिल्मों के अलावा गोगा कपूर ने गंगा जमुना सरस्वती, कयामत से कयामत तक, सागर, अग्निपथ, मर्द जैसी दर्जनों हिट फिल्मों में काम किया। 3 मार्च 2011 को 70 साल की उम्र में लंबी बीमारी से जूझते हुए उनका देहांत हो गया। तो ऐसे हम एक्टर्स को याद करते हैं और आपको भी याद करवाते हैं। अगर आपको इस तरीके की वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। लल्लन टॉप के पेज को लाइक करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करिए, YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, और अगर एक स्मार्टफोन यूज़र हैं तो हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।